करते हैं कि आपको क्यों अपना हक मांगना पड़ रहा है, इसलिए मांग रहे हो जिनको आप लोग चूसते हो, ये केवल 5 साल के लिए आपके सिर पर आते हैं और 5 साल में ये आपके बॉस बन जाते हैं। ये आर्जी तौर पर आए हैं आपके लिए, ये आपकी नौकरी के लिए आए हैं, ये कैसे आपके मालिक हो सकते हैं? कैसे आपको इनसे मांगना पड़े आपका हक आपको अपने आप कितना मिलेगा? और अगर नहीं मिलता है आपको हक, खाली जुमले मिलते हैं, खाली आपको बरगलाया जाता है, तो आप ही तो वो पावर हो जो इनको दोबारा बदल सकते हो। किस लिए आप मांग रहे हो? जिनको आपने बिठाया उनसे मांग रहे हो? आप मांगो मत, अपने हक के लिए खड़े हो। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और खुद ऑर्गेनाइजेशन से हट के अपनी तरफ से मेरी अपनी 4 और ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें भारत निर्माण सेना, जिसमें वन वर्ल्ड वन फैमिली आती है। मैंने अभी सुना, एक मेरे भाई यहाँ पर मुसलमान खड़े थे, वो बता रहे थे कि उत्तर भी हमारा, दक्षिण भी हमारा, पूर्व भी हमारा, पश्चिम भी हमारा, तभी हमारा हिंदुस्तान बनता है। और अगर हम लोग सारे इकट्ठे मिल जाए तो आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। मतलब ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं खुद भी बटे हुए हैं। मानवता को सपोर्ट करो। जब आप देश और मानवता को सपोर्ट करने लग जाओगे, ये लोग आपके पीछे भागेंगे, आपको इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं। अपने हक को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो कि क्यों आपको यहाँ दोबारा इकट्ठा होना पड़ा है, तीसरी बारी, चौथी बारी इकट्ठा होना पड़ा। अगर आपको 1400-1500 दिन हो गए मांगते मांगते नहीं मिला, तो फिर क्यों मांग रहे हैं दोबारा से? आने वाले समय में मैं आपसे, मैं मेजर साहब से भी उम्मीद करता हूँ, मेजर साहब कि जिन्होंने इन फौजियों को, जिन्होंने इन किसानों को अपना हक मांगने पर बुलाया हो, जिन्होंने इनको बजाय हक मिलने के सोटे मारे हो, क्या आप उनको दोबारा चुनोगे? मेरा प्रश्न है आपसे, क्या आप उनको दोबारा चुनोगे? अगर ये दोबारा आपसे चुनकर आना चाहते तो ये आपके पास आए कि बताओ जी मैं आपकी क्या सेवा करूं, मैं तुम्हारा कौन सा हक है जो मैं पूरा करूं, आपको क्यों मांगना पड़ता? तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरी मेजर साहब से भी गुजारिश है, मेजर साहब दोबारा से किसी जुमलों में ना फंस जाए। जब भी कोई फैसला करे तो आप सबको साथ में लेकर करें कि वो आपके लिए फैसला करें। इससे ज्यादा और कुछ ना कहते हुए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मेरे फौजी भाइयों के लिए, मेरे किसान भाइयों के लिए, मैं आपके मंच से एक वादा करता हूं, अगर मेजर साहब मुझे लेके चलते हैं साथ में, तो मेरा ये वादा है कोई किसान आज के बाद हिंदुस्तान में मरेगा नहीं, कोई किसान कर्जे के लिए नहीं मरेगा, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा कि वो कर्जे की वजह से आत्महत्या कर गया, उसकी कर्जा हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके पूरा करेंगे। हमें नहीं चाहिए सरकार से कोई पैसा, हमें किसी गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं इतनी बुक्कत रखता हूं कि फौजी भाइयों के लिए और अपने किसानों के लिए हम खुद मिलकर कर सकते हैं, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं।